हेलो बच्चों, आज हम पेट्रामाइजोन में रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पेट्रामाइजोन के हैबिटाट और अन्य सभी सिस्टम्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज पेट्रामाइजोन के रिप्रोडक्शन टॉपिक में हम फर्टिलाइजेशन, लार्वल स्टेजेस, माइग्रेशन का अध्ययन और लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम पेट्रामाइजोन में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेल पेट्रामाइजोन या लैम्प्रे जो होते हैं वो अडल्ट होने पर सर्वप्रथम स्पेशली अप्रैल टू जून के महीने में विशिष्ट प्रकार के सेक्स हॉर्मोन्स या फेरामोन का त्याग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बाइल एसिड होते हैं। और ये बाइल एसिड या सेक्स हॉर्मोन्स एक अलार्म के रूप में कार्य करते हैं जो फीमेल्स को एग लेइंग के लिए या स्पॉनिंग के लिए, मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं या अलर्ट करते हैं। और जो बाइल एसिड होता है, सेक्स फेरामोन्स होते हैं, इनका इफ़ेक्ट जो होता है बहुत लंबी दूरी तक होता है। और इस फेरामोन के प्रभाव के कारण फीमेल्स अपने एग्स बहुत अधिक संख्या में त्याग देती हैं और फिर बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात बाह्य निषेचन होता है। अप्रैल से जून के महीने में फीमेल्स एक ऑन एन एवरेज एक औसत के आधार पर 30,000 से 1,00,000 एग्स तक ले करती हैं, क्योंकि बाह्य निषेचन में बहुत अधिक मात्रा में निषेचन या निषेचन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, इसलिए अधिक संख्या में एग्स का त्याग किया जाता है। और ये एग्स जो होते हैं मेल्स के द्वारा फर्टिलाइज कर दिए जाते हैं। फर्टिलाइज्ड निषेचित अंडों में से लार्वा जब बाहर आता है, यह प्रक्रिया कम से कम 3 से 8 वीक अर्थात लगभग 2 महीने में पूर्ण होती है। सर्वप्रथम जो लार्वा बाहर आता है वह फिल्टर फीडर होता है और बाकी लैम्प्रे या अडल्ट्स के साथ में वह एसोसिएट नहीं कर पाता है। उसके पश्चात 3 से 5 साल की एज में जो लैम्प्रे होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखें लैम्प्रे में, तो सर्वप्रथम यह होता है कि जैसे ही 3 to 5 ईयर में जो अडल्ट बनते हैं वह सर्वप्रथम स्पॉनिंग के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए समुद्रीय जल से फ्रेश वाटर या रिवर नदियों की ओर गमन करते हैं, अर्थात एनाड्रमस माइग्रेशन होता है, जहाँ पर समुद्र से नदियों की ओर माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है और वहाँ जाकर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। एक जो दूसरी खास बात होती है लैम्प्रे में, यहाँ पर पेरेंटल केयर अर्थात पैतृक संरक्षण देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से जो मेल्स होते हैं वो नदी के तली पे नेस्ट का निर्माण करते हैं, घोंसलों का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और घास लाइकेन वगैरह घास आदि से वो नेस्ट का निर्माण करते हैं, जिनके अंदर की फर्टिलाइज्ड एग को रखा जाता है। और उसके पश्चात जब लार्वा निकलता है नेस्ट निर्माण में फीमेल भी उस भूमिका निभाती है, परंतु जो मुख्य पैतृक संरक्षण अगर देखा जाता है तो वह मुख्य रूप से मेल्स के द्वारा होता है। अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो समुद्र में पेट्रामाइजोन या अडल्ट 1 से 3 साल तक एक पैरासिटिक लाइफ को ड्वेल करते हैं, परजीवी जीवन का जीते हैं, जिसमें वो बड़ी मछलियों के ऊपर अपने सकर द्वारा जुड़े रहते हैं और उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। और अडल्ट होने पर यह समुद्री जल से फ्रेश वाटर की ओर गमन करते हैं, एनाड्रमस माइग्रेशन को शो करते हैं, और वहाँ जाकर मेल और फीमेल नेस्ट बनाकर नदी नालों के तल पर अपने एग्स ले करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। इसके पश्चात अडल्ट्स जो हैं वह मर जाते हैं, अर्थात लाइफ साइकिल जो है वो मैक्सिमम 3 to 5 ईयर्स की होती है। जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनमें से एमोसीट लार्वा बाहर निकलता है
यह हैचिंग के तुरंत पश्चात अर्थात एग्स के प्रस्फुटन के पश्चात नीचे की ओर तलहटी में नीचे की ओर गमन करता है और कुछ समय तक वहीं पर रहने के बाद में यह पुनः समुद्रीय जल की ओर गमन करता है और लार्वा से अडल्ट के मध्य की जो अवस्था आती है उसे हम मैक्रोथैलेमिया कहते हैं। यह मैक्रोथैलेमिया शिशु, हम इसे लैम्प्रे का शिशु अवस्था कह सकते हैं, जिस अवस्था में लैम्प्रे या मैक्रोथैलेमिया अब स्वच्छ जल से समुद्रीय जल की ओर अर्थात कैटाड्रमस माइग्रेशन को शो करते हैं। इस प्रकार अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो इस लाइफ साइकिल में हमें तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। एक लार्वल अवस्था जो कि फिल्टर फीडर होता है, निस्यंद भोजी होता है और इस निस्यंद भोजी लार्वा का जो हैचिंग पीरियड है सर्वप्रथम एग्स में से एमोसीट लार्वा लगभग 18 से 50 दिन के अंदर निकलता है और ये या जो एमोसीट लार्वा होते हैं तुरंत पश्चात में तलहटी में नीचे की ओर गति करते हैं या गमन करते हैं, बिल के रूप में नीचे की ओर जाते हैं और क्योंकि सकर अभी अधिक विकसित नहीं हुआ है, लार्वल अवस्था है और ये फिल्टर फीडर होते हैं, निस्यंद भोजी होते हैं जो कि एल्गी डाइटम्स और अन्य प्रकार के भोजन पर निर्भर होते हैं। लार्वा में एमोसीट लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है और उस मेटामॉर्फोसिस में अनेक परिवर्तन के पश्चात शिशु अवस्था को प्राप्त करता है। इस शिशु अवस्था को मैक्रोथैलेमिया कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आइज और टीथ या सकर की उपस्थिति दिखने लग जाती है और ये अब माइग्रेशन के लिए तैयार रहते हैं, पुनः फ्रेश वाटर से समुद्र की ओर ये गमन करते हैं। समुद्र में पहुंचकर मैक्रोथैलेमिया मेटामॉर्फोसिस होती रहती है और ये अडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं और अब जो भोजन की प्रकृति होती है ये परजीवी हो जाते हैं और जो अन्य बड़ी मछलियां होती हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अर्थात लैम्प्रे में भोजन अवस्था के साथ साथ भोजन की प्रकृति भी बदलती है और ये कैटाड्रमस और एनाड्रमस दोनों ही माइग्रेशन शो करते हैं। अडल्ट्स एग लेइंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए समुद्री जल से फ्रेश या स्वच्छ जलीय स्थान की ओर गति करते हैं और मैक्रोथैलेमिया पुनः अडल्ट बनने तक वापस अपने जो प्रथम निवास स्थान होता है या उसका मुख्य वातावरण होता है ओशियन या समुद्रों में पहुंच जाता है और फिल्टर फीडर से वह पूर्णतया पैरासिटिक जो मोड ऑफ फीडिंग होता है को अडेप्ट कर लेता है। और जो दूसरी मुख्य बात आपको बताई कि इनमें पैतृक संरक्षण या पेरेंटल केयर पाई जाती है। इस प्रकार लैम्प्रे अपनी लाइफ साइकिल को पूर्ण करता है। आपको नोट्स भी इनमें पीपीटी में या पीडीएफ में ये जो स्लाइड्स हैं इनमें नोट्स भी हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना और अपने नोट्स बना लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। अच्छा एक बात और, ये अपना पेट्रामाइजोन जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, तो अच्छे से पूरे नोट्स राइट फ्रॉम क्लासिफिकेशन हैबिटाट सारे सिस्टम्स अप टू द लाइफ साइकिल ऑफ पेट्रामाइजोन आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेना।